हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूँ HRMS के एक बहुत बड़े टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो अमूमन हर रेल कर्मचारी से रिलेटेड है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने HRMS में कोई भी डाटा सही कैसे कर सकता है। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉई के HRMS ID में कोई भी डाटा अगर गलत इंटर किया हुआ है तो वह खुद उसे देख सकता है और उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो रिक्वेस्ट अब मैनुअली बंद हो चुका है, HRMS ID में खुद एम्प्लॉई जो है कि उसको सही करेगा और वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक उसके डीलिंग क्लर्क के पास चला जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉई के आईडी में कोई भी चीज़ गलत है तो इसको दो रास्ते से सही कर सकते हैं। एक तो यह है कि एम्प्लॉई खुद अपनी आईडी से उसे चेंज रिक्वेस्ट में के रूप में डालेगा, दूसरा वह अपने डीलिंग क्लर्क से मिलकर उसे सही कर सकता है। डीलिंग क्लर्क से मिलकर उसे कैसे सही करेगा उसको मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। यहाँ फिलहाल हम बता रहे हैं कि एम्प्लॉई खुद अपने HRMS आईडी से उसे कैसे सही करे। तो इसके लिए हम अब जो है कि गूगल क्रोम में चले गए हैं। यहाँ पर हम HRMS रेलवे लिखते हैं, हम अपने आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन कैसे होना है? मेरा मानना है कि आज के डेट में प्रत्येक रेल कर्मचारी बखूबी अपनी HRMS आईडी को लॉगिन कर सकता है। तो मैं अपने आईडी में लॉगिन हो चुका हूं, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम चले जाते हैं जो है कि एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस में। ये लिखा हुआ है यहाँ पर एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस ब्रैकेट में EESS, इसको आप शॉर्टकट में EESS भी कह सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल्स, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जिसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक देख सकते हैं यहाँ पे शो होता है एम्प्लॉई मास्टर और दूसरा होता है ESR। ये जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं कर्मचारी इनमें से किसी भी ऑप्शन में जाकर जो भी डिटेल सही करना चाहे कर सकता है। तो आज मैं किसी एक ऑप्शन पर जाकर अपनी आईडी से जाकर करेक्शन कैसे करना है, कैसे रिक्वेस्ट डालना है वो करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। सपोज मैं अपना फैमिली डिटेल में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा जो आईडी है फैमिली का वो पूरा यहाँ शो हो जाता है। आगे बढ़ें इससे पहले आपको ध्यान दे देना है एम्प्लॉई ये मेरा खुद का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, दूसरा कर्मचारी का यहाँ DC शो होता है, ठीक है। ये DC यहाँ पे शो हो गया, उसके बाद VA दिखता है तो यहाँ पे VA का नाम शो हो जाता है, अगला AA दिखता है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, यहाँ पे उनका नाम शो होता है। तो आगे बढ़ें इससे पहले कर्मचारियों को मेरी सलाह यह है कि यहाँ पे केयरफुली ढंग से अपना DC का नाम और VA का नाम और AA का नाम, इस तीनों का नाम को सही सही देख ले। पहली बात तो अगर उनका DC गलत है तो जाहिर सी बात बाकी दोनों भी गलत होगा। तो ऐसी स्थिति तब होती है जब कर्मचारी कहीं से ट्रांसफ़र होके आता है, चाहे म्यूचुअल हो, ऑन रिक्वेस्ट हो या प्रशासनिक आधार पे उनका ट्रांसफ़र हो। तो कई बार होता है कि कर्मचारी का DC बहुत लेट से चेंज होता है, तो उनको सलाह है कि सबसे पहले अपना DC चेंज करवा लें, ठीक है। मेरा यहाँ DC सही है और इसका मैं नाम यहाँ पर नोट कर लूँगा कि मेरा डीलिंग क्लर्क कौन है। ये स्थिति लाइन कर्मचारियों को तो नहीं होती है, खासकर उन कर्मचारियों को इनका सामना करना पड़ता है जो डिविजनल ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे बाबू होते हैं और उनके लिए ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि मेरा डीलिंग क्लर्क कौन है। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है वो अपना HRMS आईडी में यहाँ पे शो कर ले, जैसे मेरा ये डीलिंग क्लर्क है, इसका नाम मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ, चूँकि मैं आपको अपने फैमिली मेंबर में एक नया मेंबर ऐड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, देख रहे हैं मेरा पहले से एक फैमिली दूसरी फैमिली जुड़ा हुआ है, हमको तीसरा फैमिली जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कई का होता है, यहाँ पे आपका शो होगा, ठीक है दोस्तों, जो है कि एड न्यू मेंबर, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। अदरवाइज आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन दिखता है एडिट चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो है कि दो मेंबर मेरा पहले से, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। हर चीज़ आपको बारीकी से समझना है दोस्तों। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लो कोई फैमिली हमको हटाना है, तो भी ऑप्शन है इस तरह का कट मार्क यहाँ दिखेगा,
आप कट कर देंगे, फैमिली मेंबर हट जाएगा। अदरवाइज हमको फैमिली मेंबर 3 ऐड करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और चूंकि हमने बहुत सा चीज़ इसमें पहले से डाल रखा है ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, आपसे निवेदन है कि बिल्कुल केयरफुली एक एक शब्द को सुनिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है यहाँ पे जो है कि रीजन, रीजन में आपको लिख लेना है एड फैमिली मेंबर। आप जैसे भी जो भी कमेंट देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं आपके सुविधा अनुसार। सबसे पहली सलाह आपको यही है कि सबसे पहले आपको जो भी स्टार मार्क है, जहाँ जहाँ भी जिस भी जिस ऑप्शन पे स्टार मार्क दिख रहा है वो आपके लिए कंपलसरी है, वो नाम डालना ही डालना है। तो मैं यहाँ पे फैमिली मेंबर में अपने उस फैमिली का यहाँ नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ दूसरा ऑप्शन है मेंबर नेम हिंदी, यहाँ पे उस फैमिली मेंबर का हिंदी में नाम भी लिख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगला देखिए मैरिटल स्टेटस, अगर वो मेंबर 11 साल अविवाहित है तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। देखिए कई सारा ऑप्शन है, ऑप्शन कई सारा ऑप्शन दिखता है, अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज कर लीजिए। आधार नंबर, फैमिली मेंबर का आधार नंबर है तो यहाँ पे दीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और मेंबर का पैन नंबर यहाँ देना है तो दीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप आधार नंबर वाले कॉलम में आधार नंबर ऐड करते हैं तो उसके जस्ट सामने आधार अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको सलाह है कि अगर आप यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ पे आधार का पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करेंगे। उसी तरह जैसे मेंबर का, फैमिली मेंबर का पैन नंबर यहाँ पे डालते हैं तो उसके ही अगले ऑप्शन में आपको मेंबर पैन अपलोड दिखा देता है। यहाँ पे आपको उसका पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए, एक होता कोई भी फैमिली मेंबर यदि आप ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए अल्टरनेट आईडी कार्ड, मतलब एक जो कंपलसरी आईडी कार्ड है वो ज़रूर देना है। अब देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं, इनमें से ही कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना नेसेसरी है। ध्यान दीजिए, न्यू फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए आपको इनमें से कोई एक आईडी कंपलसरी देना है। सपोज यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। मेरा मानना है कि आज के डेट में सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता ही होता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल आईडी कार्ड होता ही होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बड़ों के लिए है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड अगर 18 साल से ऊपर का जो है कि मेंबर है, वोट देने का अधिकार रखता है तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या चीज़ रखना है। सपोज मैं बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर देता हूँ। रिलेशन मतलब जिस जो भी मेंबर का नाम आपने यहाँ पे शो किया है वो आपके रिलेशन में कौन है, तो यहाँ पे देख लेंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेंबर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख लेना है, मेंबर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है दोस्तों। डाल कर जिस तरह इस तरह क्लिक करते हैं तो मेंबर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। अगला, जैसे ही मेंबर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ देते हैं तो अगले ही पल में देखिए फैमिली मेंबर डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, जिस आधार पे आप ये डेट ऑफ बर्थ साबित करना चाहते हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ आपको अपलोड करना ही करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए आप परिवार में किसी नवोदित बच्चे का या अपने छोटे बच्चे का नाम ऐड करना चाहते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है दो तरह का होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दो तरह से, एक वह बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में पैदा लेता है, जिस मेडिकल में पैदा लेता है, एक तो वहाँ से सर्टिफिकेट इश्यू होता है, वह सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वो बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र है कि बच्चे ने फला जगह जन्म लिया है, उसके आधार पे आप संबंधित राज्य में, चाहे आप जिस भी राज्य में हैं, उस राज्य का जो भी प्रोसेस है, गवर्नमेंट का एक जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट से उस फैमिली मेंबर का बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, उसी को आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। अब देखिए फैमिली मैरिज, सॉरी फैमिली मेंबर एज, जब आप यहाँ पे मेंबर का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये ले लेता है, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हैंडीकैप परसेंटेज, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो यहाँ पे आपको डालना ही डालना है। वो चीज़ें तब होगा जब आप यहाँ पे शो कर रहा है हैंडीकैप फ्लैग। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे बाकी सारे यस जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हैंडीकैप परसेंटेज डालने के लिए देगा। अदरवाइज अगर नहीं है तो नहीं, नो जैसे क्लिक करते बाकी सारे ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए आगे हम चले जाते हैं, जो बहुत सारे मेरे कर्मचारी जो है कि गलती ये करते हैं कि जैसे फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर रहा है तो वो यहाँ पे देखिए लिखा है फैमिली सॉरी मेंबर डिपेंडेंट, सवाल कर रहा है क्या वो मेंबर आपके ऊपर डिपेंड है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब सवाल ये है कि फैमिली मेंबर आप अगर एचआरएमएस में ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मेंबर आपके ऊपर डिपेंड है, तो मेरे कर्मचारी यहाँ पे गलती करते हैं, वो नो कर देते हैं और हम कर्मचारियों को मौका देते हैं कि उनको वो सही कर ले। फिर अगला देखिए, जैसे डिपेंडेंट यस करते हैं आगे देखिए यहाँ पे शो कर देता है डिपेंडेंसी रीजन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कई सारा ऑप्शन शो हो जाता है, सारे ऑप्शन को केयरफुली पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। अगला देखिए, मेंबर डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपने जो यहाँ पर डिपेंडेंट का यस क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ यहाँ पे डालना है, उसका साबित करना है कि आप पर वो डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेंबर बोनाफाइड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो है कि बच्चा अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, हर साल प्राप्त करके यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपका बच्चा 21 साल से ऊपर हो जाता है, लड़की है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का 21 साल से ऊपर है और अगर वह एजुकेशन प्राप्त कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, ठीक है, और वो एक बाकायदा उनके लेटर पैड पे होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एडॉप्शन डेथ डॉक्टर्स सर्टिफिकेट ETC इफ़ एनी अपलोड इन PDF फॉर्मेट, मतलब उस बच्चे का उस फैमिली मेंबर का जो भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होता है, कई बार हम बच्चा को एडॉप्ट करते हैं या उनका डेथ सर्टिफिकेट है या डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट है जहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया है, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आप सबमिट कीजिए। अगला देखिए, मेंबर फोटो इन JPEG और PNG फॉर्मेट, उस मेंबर का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, मैंने यहाँ पे उस बच्चे का जो है कि फोटो हमने अपलोड कर दिया। अगला जो मेरे कर्मचारी जैसे एक गलती यहाँ कर देगा, मेंबर डिपेंडेंट यहाँ पे नो कर देगा जबकि उसको सही करना था, यस करना था। अगला डिपेंडेंट फॉर मेडिकल, यहाँ पे भी वो ध्यान नहीं देता है, यहाँ पूछ रहा है क्या वो बंदा आप जो है कि आपके ऊपर मेडिकल के लिए डिपेंड है, जाहिर सी बात है मेरे परिवार का हिस्सा है तो सबको मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपको यस करना है, इस चीज़ को बखूबी ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ भी देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है ना। अगर देखिए मेंबर इनकम, जाहिर सी बात है कई बार होता है कि आप विडो मदर का अपने HRMS आईडी में फैमिली मेंबर के रूप में ऐड करते हैं तो उनका जो है कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होता है, तो यहाँ पे आपको इनकम जो है कि मेंबर का इनकम शो करना है और यहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए मेंबर ईमेल आईडी, अगर उस मेंबर का कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आपको डाल लेना है, अगर और दूसरा क्या मेंबर फ़ोन नंबर, वो कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको सलाह है कि मोबाइल मेंबर का मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पे अपलोड कीजिए, ठीक है। वैलिड अप टू, अगर उसकी कुछ वैलिडिटी है, सपोज कोई बच्चा आपका 21 साल से ऊपर है और स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए आप पास ले रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो यहाँ पे आप उनकी वैलिडिटी डाल देंगे, ठीक है, खास करके वो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक वो वैलिडिटी होती है, आप यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि जिस तरह मैं अपने मेंबर का नाम ऐड कर रहा हूँ उसकी वैलिडिटी यहाँ पे अभी नहीं है। अब अगला जो है कि यहाँ पे केयरफुली पे आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे आपको टिक लगना है, मतलब इस तरह का एक शपथ आप दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अभी मैं सबमिट बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, एक जानकारी आपको दे दी है वो ये कि जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए नोट में एक चीज़ लिखा होता है, इसको आप बड़ी बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। अगला जो ज़रूरत वाली चीज़ है ये पे क्लिक हियर टू डाउनलोड मेंबर डिपेंडेंसी रूल्स, मतलब आप किस मेंबर को अपनी HRMS आईडी में किस पोजीशन में या कैसी कैसी शर्तों के साथ शामिल कर सकते हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस PDF में मिलेगा जो यहाँ पे शो हो रहा है मेंबर डिपेंडेंसी रूल्स, इसको आप डाउनलोड करके केयरफुली पढ़ लीजिए तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ केयरफुली हमने सब कुछ देख लिया है,
आपको भी सलाह दी जाती है कि फैमिली मेंबर का जो भी नाम आप यहाँ पे डाले हैं उसको केयरफुली आप एक एक करके फिर से देख लेंगे, और उसको बारीकी से देख लेने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि मैंने सब कुछ सही सही भरा है, तो उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है, आर यू श्योर टू सबमिट द चेंज रिक्वेस्ट फॉर द एम्प्लॉई टैब, यू विल नॉट बी एबल टू मेक द चेंजेज आफ्टर सबमिशन। इसका मतलब है कि आप पूरा क्लियर हो जाइए कि आपको ये सबमिट करना है, अगर आप सबमिट कर देते हैं तो फिर इसमें आप किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे केयरफुली सबको सबमिट कर दिया है, अब हम यस बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी आ जाता है जो सेकंड ओटीपी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। मेरा ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये सबमिट किया है, इसको हमें देखना है कि मैंने जो सबमिट किया है वो कहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे जो है कि व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल्स के जस्ट नीचे आपको माई चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आज तक हमने जितने भी चेंज रिक्वेस्ट डाले हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज मैं अभी ये चेंज रिक्वेस्ट डाला है तो यहाँ पे मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे गो कर देता हूँ। गो जैसे करते हैं तो ये मेरा आईडी यहाँ पे शो हो जाता है और ये मैंने अपना चेंज रिक्वेस्ट डाला है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके आप चेंज रिक्वेस्ट की पूरी डिटेल आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी ये रेड बटन शो हो रहा है इसका मतलब ये चीज़ें मैंने चेंज रिक्वेस्ट में डाली है। ठीक है, तो इस तरह आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यह बिल्कुल ज्ञानवर्धक रहा होगा। जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।